दोस्तों आपने फ्लिपकार्ट का नाम तो जरूर सुना होगा, साथ ही आपने शॉपिंग भी जरूर की होगी। फ्लिपकार्ट एक ऐसी ई कॉमर्स वेबसाइट है जिससे बहुत सारी शॉपिंग आप घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और इसमें आपको जो पेमेंट करने का ऑप्शन होता है उसमें आपको कैश डिलीवरी, इंटरनेट बैंकिंग, UPI इन सब तरह की पेमेंट करने की ऑप्शन आपको मिलती है। लेकिन अब दोस्तों फ्लिपकार्ट की तरफ से एक और अपडेट आ गया है जिसमें आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है कि अगर आपके पास तत्काल में आपके पास पैसे नहीं है तो आप चाहे तो एक महीने बाद भी फ्लिपकार्ट को पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपके पास तीन चीज का होना जरूरी है। सबसे पहले तो आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए और एक आधार कार्ड होना चाहिए, और आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर का लिंक होना जरूरी है, और साथ ही आपके पास बैंक डिटेल का भी होना जरूरी है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे सिंपल बता दूं कि जैसे आप पेमेंट करने ऑप्शन जाते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल में जाना होगा। जाने के बाद आपको एक पे लेटर का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे साइड में देख रहे होंगे। सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड नंबर फिल करना है, इसके बाद आप अपना आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे तो आपके आधार नंबर से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे एक OTP जाएगा, और साथ में इसके बाद आप अपना बैंक डिटेल आसानी से फिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नॉर्मली जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं फ्लिपकार्ट पे वैसे ही शॉपिंग करेंगे, तो शॉपिंग करने के बाद जैसे ही पेमेंट का जो ऑप्शन आता है उसमें आपको होम डिलीवरी से लेकर आपको डेबिट क्रेडिट UPI और जितनी भी इंटरनेट बैंकिंग की सेवा से आप पेमेंट करते हैं उसी तरह एक और ऑप्शन मिलेगा पे लेटर का। अब दोस्तों यहां पे लेटर ऑप्शन में आपको एक लिमिटेड अमाउंट दिया जाएगा कि आप कितने में शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप उसमें एलिजिबल होंगे तो आपको यहाँ पे लिमिट दी जाएगी, उसी लिमिट में आप शॉपिंग फ्लिपकार्ट से कर सकते हैं। ये बेस्ट फैसिलिटी जो फ्लिपकार्ट की तरफ से दी जा रही है वो बहुत ही बेहतर है। आप इस तरह से शॉपिंग कर सकते हैं और पैसे को बाद में भी पे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज है कि आपको लिमिट दी जाएगी शॉपिंग करने की, आप लिमिट में ही शॉपिंग कर सकते हैं और एक महीने के अंदर में आप फ्लिपकार्ट को पैसा पे कर सकते हैं। जैसे आप हैंड टू हैंड सामान लेने के बाद पे करते हैं उसी तरह आपके अकाउंट से ये पैसा कट हो जाएगा दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल है फ्लिपकार्ट पे लेटर का यूज करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अकाउंट ओपन करके आसानी से अपना डिटेल्स फिल करके शॉपिंग कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से। तो दोस्तों इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाली इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिले।